हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सुबह हो गई है यहाँ पर, खाना तो मेरा सब बन गया है। दाल फ्राई कर रहे हैं, दाल में तड़का लगाएंगे और चावल बन गया है। भुजिया कुद्रुम का बना दिए हैं और रोटियाँ मेरी बन गई है क्योंकि आज मुझे जाना है मार्केट। दाल में तड़का लगाएंगे, बर्तन धोएंगे और झाड़ू लगाएंगे। अभी कपड़ा धोना है मुझे, बच्चे चले गए हैं स्कूल और सारा काम फिनिश कर उसके बाद तुरंत तैयार होकर निकल जाएंगे क्योंकि मुझे अब दांतों में दर्द बहुत ज़्यादा हो गया है। जाएंगे डॉक्टर के पास, दिखाएंगे, वो देखते हैं क्या बोलते हैं। और यहाँ पर मेरा दाल में तड़का लग गया है और लगाकर रोटियाँ भी बन गई है। बच्चों को जब बनाते हैं तभी रोटी पूरा बनाकर रख देते हैं क्योंकि जाना है मुझे जल्दी जल्दी, तो इसीलिए जल्दी जल्दी खाना बनाकर। और दोस्तों हम तैयार हो गए हैं, जा रहे हैं, देखते हैं दाँत का मेरा दवा मिलता है नहीं क्योंकि बहुत तेज से दर्द कर रहा है और कुछ खा पी भी नहीं रहे हैं। अगर दवा मिलेगा तो ले लेंगे, नहीं देखते हैं उखाड़ने के लिए कहते हैं कि क्या करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम घर से निकल गए हैं, अब जा रहे हैं दवा लेने के लिए। देखते हैं कहाँ जाते हैं, गाजीपुर लेकर जाते हैं कि कहाँ पर। और बरसात के मौसम में देखेंगे चारों तरफ हरियाली हरियाली, हरा भरा रहता है, बहुत अच्छा भी रहता है। मगर मौसम बना लिए हैं बारिश का, देखते हैं बारिश होता है कि नहीं। अभी तो यहाँ पर देखिए धूप है और हम आ गए हैं डॉक्टर के पास और बैठे हैं, कह रहे हैं कि बैठ जाए थोड़ी देर, तो अब देख रहे हैं। अब ज़्यादा कुछ तो वीडियो शूट नहीं हो पाया क्योंकि ये थोड़ा सा शूट कर रहे हैं, जानते हैं कौन जाते हैं तो वीडियो शूट नहीं कर पाते। यहाँ पर देखिए दवा मुझे मिल गई है और इंतज़ार कर रही। दो एक घंटे बारिश में फंस गए थे, बैठे बैठे इंतजार करते करते। यहाँ पर बारिश हो रही है मगर भीगने पर बारिश हो रही थी। जब आए हैं वहाँ डॉक्टर के पास तो वहाँ बारिश हो रही थी, भीग गए थे तो हवा से तो सूख गई है। मगर यहाँ पर दवा लेकर आ गए हैं घर और गए थे मार्केट में कि बहुत कुछ खरीदेंगे मगर खरीद नहीं पाए और बारिश की वजह से। दोस्तों ये है 3 दिन बाद का वीडियो और हम जा रहे हैं मोमो बनाने। मोमोज क्योंकि मेरे बच्चे परेशान कर रख दिए, कह रहे हैं मम्मी बनाइए बनाइए बनाइए, तो जा रहे हैं। और दवा तो खा रहे हैं मगर कुछ आराम नहीं है दवा से दांत का मेरा। दोस्तों हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है और इसमें जीरा डालेंगे, उसके बाद लहसुन और अदरक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं उसको डालकर तब मिर्च और प्याज भूनेंगे। ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का से भूनना है। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी नमक और मसाला चटक, थोड़ा सा चटपटा खाना चाहते हैं तो डाल दीजिए, तो थोड़ा सा हल्का मसाला डाल दिए हैं। और ये ग्रीन चिली है तो उसमें थोड़ा सा डाल देंगे और टमाटर सॉस आप है तो डाल दीजिए, सोया सॉस है तो वो भी डाल दीजिए। तो मेरे पास था मगर थोड़ा सा ढेर दिन अधिक दिन का हो गया था उसे नहीं डाले हैं, ये सिर्फ ग्रीन चिली ही डाले हैं। और तब जो सोयाबीन है ग्राइंड किए हैं तो उसको भी डालकर फ्राई करेंगे। आपके पास मिक्सी नहीं है तो उसे उबाल दीजिए और हाथों से पूरा पानी निचोड़ कर और पानी निकाल कर तब हाथों से मसल दीजिए, पूरा मसल कर फ्राई कर दीजिए। मिक्सी का ज़रूरत नहीं है, हम तो वही जा रहे थे करने मगर लाइट आ गई तो मिक्सी जार में एक बार चला दिए तो हल्का ब्राउन हो गया। यहाँ पर जा रहे हैं चटनी बनाने के लिए तो दो टमाटर ले लिए हैं और मिर्च ले लिए हैं, उबाल आने के रख दिए हैं। यहाँ पर देखिए मैदा है, मैदा में थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं और रिफाइन ऑयल और आटा लगाएंगे, जैसे रोटी का लगाते हैं आटा वैसा ही रोटी आटा लगाएंगे। और नॉर्मल पानी ले लिए हैं, गुनगुना पानी नहीं है। थोड़ा सा मेरे
मुँह में छाला हो गया है, तो उससे बोलने से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा आप मैनेज कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हम आटे को मसल मसल कर। हेलो दोस्तों, जा रहे हैं मोमोज बनाने, और मोमोज बनाने जा रहे हैं तब हम मिक्सी जार में जा रहे थे पीसने के लिए, तब तक लाइट कट गई। उसके बाद थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद लाइट आई, पीस लिए। दोस्तों यहाँ पर हम जा रहे हैं बनाने, और उसके बनाने के लिए छोटे छोटे लोइया एक साइज का बना काट लेंगे आप। उसमें मुझे जो मोमो का मसाला है ठंडा हो गया है, नमक उसी पर डाल दिए हैं अपने स्वाद अनुसार। आपको जितना चटपटा बनाना है बना दीजिए, उसी पर चला चला कर 5 मिनट तक फ्राई किए हैं, उसके बाद उतार दिए हैं। यहाँ पर देखिए अपने अनुसार लोइया काट रहे हैं। अब कोई मेरा वीडियो शूट करने वाला नहीं है तो किसी तरह कर रहे हैं, पूरा हम नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा जैसे हो पा रहा है उसे ही बना रहे हैं। और यहाँ पर सूखा आटा लगाकर और पतला पतला बेल कर अपना अपने साइज के अनुसार बना लीजिए, छोटा बड़ा। देखिए मीडियम में बना रहे हैं, ना ही छोटा है ना ही बड़ा है। इसमें जो मसाला बनाए हैं भर कर और चारों तरफ से प्लेट लगाकर इसे अच्छी तरीके से दबाकर बंद कर दीजिए कि कहीं से ये खुला ना रह जाए। अब बहुत इजी तरीके से बन जाता है। अब चाहेंगे तो जो ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा आटा है मैदा है तो उसे काट कर हटा सकते हैं, मगर हम नहीं हटाए हैं। यहाँ पर देखिए हम दूसरा बनाने जा रहे हैं। हम लोग तो गाँव में इसी तरह बनाते हैं, और आप लोग भी एक बार इसी तरह मोमोज जरूर बनाइए और अपना अनुभव बताइए कैसा बनाए। बहुत इजी तरीके से बनाए हैं, जो आपके घर में उसी सामग्री से बनाए हैं। ये नहीं कि सारी सोसे रहेंगे तभी हमारी मोमोज बनेगा, नहीं, आप कोई भी सोस नहीं है तभी आप मोमोज बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हो गया है, और इतना बच गया है तो एक बार चलते हैं उबाल आने के लिए रख देंगे, तब तक ये इसमें स्टीम होगा तब तक मेरा दूसरा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए ये जो गेहूँ छानते हैं आखा उसी में बना रहे हैं, ना ही कोई मेरे पास बर्तन है ना ही कुछ नहीं है, तो इसी में बनाकर और ये कढ़ाई में पानी रख देंगे, इसी में भाप से बन जाएगा। इसे अब रख देंगे 15 मिनट 20 मिनट तक। ये देखिए मेरा दूसरा भी बनकर तैयार हो गया है, और उनको देखते हैं अभी उबाल आया है कि नहीं, हुआ है कि नहीं। अभी बनकर तैयार हो जाएगा तो दूसरा डालेंगे। इसका पहचान है, देखिए अभी नहीं हुआ है, ये अपने आप इसकी जो अंदर की मसाला है झलकने लगेगा। देखिए यहाँ पर झलकने लगा है तो ये बनकर तैयार हो गया है। और दूसरा मैं पानी में उबाल कर बनाएंगे, मगर उसका वीडियो नहीं शूट हो पाया। जानते हैं गांव में बहुत परेशानियाँ होती है, लाइट कट गई थी तो उसका वीडियो नहीं बना पाए। यहाँ पर देखिए ये सारे मेरे मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये पूरा इसका जो मसाला है झलकने लगा है, तो आप समझिए कि बनकर तैयार हो गया है। चलते हैं इनको निकाल कर, आइए देखिए दूसरी बार है पानी में उबाल कर जलेली बना रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर लाइट कट गई थी। यहाँ पर देखिए मेरे मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं, आप लोग को भी पसंद है आकर खा लीजिए। और कैसा बना है कमेंट कर जरूर बताइए। और दोस्तों मेरी वीडियो अगर आप लोगों थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके यहाँ पहुँच जाए। और यहाँ पर देखिए एक मोमोज में आपको दिखा रहे हैं और कैसा बना है। आप लोग भी खाना चाहते हैं तो आ जाइए खाने के लिए, और बहुत चटपटी बहुत तीखी बनी है। मेरे बच्चे खाकर पूरे खुश हो गए, कह रहे हैं कि मम्मी फिर से बनाइए दोबारा एक बार दूसरे दिन, तो कह रहे हैं कि ठीक है दूसरे दिन बनाएंगे। यहाँ पर हम निधि खा रहे हैं, और बाबू कह रहा है कि रुक जाए मम्मी, और यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं तो उसका आवाज़ नहीं सूट हो गया। देखिए गर्मी से पूरी ये खेल कर आए हैं, कितनी गर्मी से।